जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पुलवामा के 2003 में हुए नदी मर्ग नरसंहार केस को दोबारा खोलने का आदेश दिया है। पीएम मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव समारोह को संबोधित करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट गहरा रहा है, राज्यपाल के फैसले का इंतजार है। गुलाम नबी आजाद के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस के 10 से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने आजाद के फैसले को गलत ठहराया है। सोनाली फोगाट केस में आज आरोपियों की पेशी होगी। पुलिस आरोपियों की रिमांड मांगेगी और एशिया कप की आज से शुरुआत हो रही है। कल टीम इंडिया की पाकिस्तान से होगी बरन। देश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते हैं भारतवर्ष टॉप 9। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पुलवामा के नंदी मर्ग में हुए कश्मीरी नरसंहार केस को दोबारा खोलने का आदेश दिया है। ये घटना 23 मार्च 2003 की है। उस रात नंदी मर्ग में सेना की वर्दी में आए लश्करे तैयबा के आतंकवादियों ने 24 कश्मीरी पंडितों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, जिसमें 11 महिलाएं और कम उम्र के बच्चे भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर 2011 के उस आदेश को वापस लेने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है, जिसमें क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी गई थी। मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। पीएम अपनी यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद से करेंगे, जहां वे साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव समारोह को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी साबरमती रिवर फ्रंट पर अटल फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। वहीं कल पीएम 2001 में भुज में आए भूकंप पीड़ितों की याद में बने स्मृति वन का उद्घाटन करेंगे। पीएम और गृह मंत्री गुजरात चुनाव से पहले अपने गढ़ को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट गहरा गया है। खनन पट्टे के मामले में चुनाव आयोग ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल को भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सोरेन को दोषी मानते हुए विधायक पद के लिए अयोग्य करार दिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने अपने फैसले में सोरेन के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई है। इस बीच माना जा रहा है कि झारखंड के राज्यपाल आज हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश पर मोहर लगा सकते हैं। इस कार्रवाई के बाद चुनाव आयोग हेमंत सोरेन को अयोग्य घोषित किए जाने का ऐलान करेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे के बाद प्रदेश कांग्रेस में खलबली मच गई है। इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। अब तक 10 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। आजाद ने सोनिया गांधी को भेजे 5 पन्नों के खत में कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि राहुल गांधी की पार्ट टाइम पॉलिटिक्स के चलते कांग्रेस बर्बाद हुई। उनके मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद को जवाब देते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि आप 50 साल पार्टी में अहम पदों पर रहे, लेकिन आज जब पार्टी को आपकी जरूरत है तो आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गए। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 खत्म की, संभव है कि आपसे उनके रिश्ते मधुर हो गए हैं, लेकिन आपने कांग्रेस को तोड़ने का निंदनीय काम किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व पर निजी हमला कर आपने अपना असली चरित्र दिखा दिया है। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इसे अपरिपक्वता करार दिया है। सोनाली फोगाट मामले में केस दर्ज होने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। सोनाली को 1.5 ग्राम MDMA ड्रग्स दिया गया था, जिसका कबूलनामा गोवा पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने किया है। सोनाली के PA और सुरक्षा गार्ड दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस कोर्ट से आगे की जांच के लिए आरोपियों के रिमांड की मांग करेगी। गोवा पुलिस ने एक CCTV फुटेज जारी किया है, जिसमें आरोपी सुधीर बोतल से सोनाली को कुछ पिलाता नजर आ रहा है और सोनाली सुधीर को रोकने की कोशिश करती दिख रही है। भारत और चीन के बीच LAC पर जारी तनाव के बीच TV9 भारतवर्ष के संवाददाता रवि दत्ता ने अरुणाचल प्रदेश के छागला आगम का जायजा लिया। यहां पर सेना के जवान देश की सुरक्षा में मुस्तैदी से लगे हुए हैं। इसके साथ ही यहां के स्थानीय लोगों में भी चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जोश हाई है। देश के अगले चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस यूयू ललित आज शपथ लेंगे। जस्टिस ललित भारत के 49वें चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस NV रमन्ना कल रिटायर्ड हो गए। जस्टिस ललित को 2014 में सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया गया था। जस्टिस ललित का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 तक होगा, यानी बतौर CJI उनका कार्यकाल 3 महीने से भी कम होगा।
चार साल बाद आज से एक बार फिर एशिया कप का आयोजन होने जा रहा है। पहला मुकाबला अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। वहीं दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच कल होने वाले मैच का इंतजार है। ये दोनों टीमें सिर्फ बड़े टूर्नामेंट में एक दूसरे से भिड़ती हैं। टीम इंडिया के बल्लेबाजों को पाकिस्तान की गेंदबाजों का डटकर सामना करना है, तो वहीं गेंदबाजों को भी कमाल दिखाना पड़ेगा। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।